continuing in the chapter of organisms and population, in the third lecture today, we are going to talk about the various responses to the abiotic factors. अब हम लोग इसके बारे में बात करना शुरू करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके क्या कि हमें चार चीज़ें इसके अंदर देखनी हैं कि रिस्पॉन्स क्या क्या देख सकते हैं या तो या तो ऑर्गेनिज़म हमारा रेगुलेट करेगा या कन्फर्म करेगा या माइग्रेट करेगा या सस्पेंड करेगा ये चार चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्स हैं एबायोटिक फैक्टर्स के लिए चार तरीके के रेस्पॉस रेगुलेशन करना कन्फर्म करना माइग्रेट कर ला कर लेना या सस्पेंड कर जाना अब एन सी आर टी हमसे एक बात काफ़ी पहले कह चुकी यहाँ पर कि हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ऑर्गेनिज्म है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या काम कर चुका है इवॉल्व कर चुका है उन अडेप्टशंस को जिससे कि ऑप्टिमाइज़ हो गया है उसका सरवाइवल और उसकी रिप्रोडक्शन अपनी हैबिटेट के अंदर ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थी मैंने आपको तब भी बताया था अब वापस हम इसी स्टेटमेंट को जिक्र करें तो क्या कह रही है एनसीईआरटी कि हम लोग ये एजमशन ले के चल रहे हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू उसने क्या कर लिया है इवॉल्व कर लिया है उन अडाप्टेस को जिससे उसका सर्वाइवल और उसकी रिप्रोडक्शन ऑप्टिमाइज़ हो पाए उसकी हैबिटेट के अंदर अब इस बात को बैकग्राउंड बना करके आप यहाँ पर देखो कि एन आपसे ये कह रही है कि बिफोर टू आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट द रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स वी शुड पर हैप्स आस्क फर्स्ट वाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरमेंट शुड बॉर्डर ऑल कि भाई हम लोग पहले इस बारे में बात करें कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं आप पहले इस बारे में बात करो कि एक हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे ऑर्गेनिज्म को फ़र्क ही क्यों पड़ रहा है वाई शुड इट बॉर्डर दी ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मैनी स्पीशीज़ ने क्या कर लिया है इवॉल्व कर लिया है एक रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि परमिट कर रहा है सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को और उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी से चलेंगे किसमें एक इस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर और इस कांस्टेंट इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से इनहेंस हो जाएगी ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशीज़ और सर्वाइवल जो है बेटर हो जाएगा ये चीज़ एन ने क्या बताई आपको कि हम लोग क्या अज्यूम करके चले हैं कि हमने एक्सपेक्ट ये किया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो कोर्स रहा एग्जिस्टेंस का एवोल्यूशन हुआ इसके अंदर और बहुत सारी स्पीशीज़ ने इवॉल्व किया किस चीज़ को एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को यानी विद इन दी बॉडी एक इंटरनल एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया जिसको क्या हो पाए जो परमिट करता है सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं और जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से इस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होंगे और अगर हमारे ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा तो एनहेंस हो पाएगी हमारी ओवरऑल फिटनेस अब इसको समझाने के लिए एन कह रही है कि मान लो कि हमने ह्यूमंस ने फॉर एग्जांपल ये जो कांस्टेंसी मेंटेन करी है ये जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन किया है इसको एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए समझ लो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है एक हमारा कि हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं हम एक ऑप्टिमम ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन पे काम कर सकते हैं ये दो एग्ज़ाम्पल दिए आपको एन ने पहला दिया किस चीज़ के बारे में कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर ऑप्टिमा है आपके पास और एक ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो है बॉडी फ्लूड्स की उसका भी एक ऑप्टिमम रेंज है अब अगर उस ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर से टेम्परेचर बिगड़ा तो दिक्कत है और अगर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन उससे बिगड़ी जो कि हमारी ऑप्टिमम वाली है तो भी दिक्कत है अब टेम्परेचर के केस में अगर हम लोग बात करें मान लेते हैं क्या कि हमारा जो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो 25 डिग्री सेल्सियस है अब हमें क्या करना है कि इस 25 डिग्री सेल्सियस को मेनटेन करना है ताकि हम लोग क्या कर पाएँ अपनी होमियोस्टैसिस मेंटेन कर पाएँ अब इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर पाएँ इससे क्या होगा कि गर्मी के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई एयर कंडीशनर को यूज़ करेंगे समर के अंदर और हीटर्स को यूज़ करेंगे विंटर के अंदर तो हमने क्या किया है आर्टिफिशियल मीन्स से अपने कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट को मैंटेन करने की पूरी कोशिश करी है अब एन रीड कर लेते हैं कि रेस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा हैविंग रियलाइज दी एबायोटिक कंडीशन यानी टेम्परेचर लाइट वाटर और सॉइल ऑफ मेनी हैबिटेट्स में वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम ये चारों चीज़ें जो हैं ड्रास्टिकली वेरी कर सकती हैं अब बात आती है वी नाउ आस्क हाउ डू दी टेम्परेचर लिविंग इन सच हैबिटेट जो हैं कोप करें या मैनेज करें ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से तो फिर बात आई क्या कि हम स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज क्यों करेंगे वाई वुड वी मैनेज दीज स्ट्रेसफुल कंडीशन बिकॉज दीज स्ट्रेसफुल कंडीशन टेंड टू डिस्टर्ब आर कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ मेनटेनिंग दिस कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस अब यही चीज़ बोली कि आइडियली देन दर्गेनिजम शुड शुड ट्राई टू मेनटेन दी कॉन्सटेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरमेंट दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग यही तो हम कर रहे हैं कि आइडियली हम क्या कर रहे हैं अपना जो एक इंटरनल एनवायरमेंट हम लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन जनरेट किया है उस इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग जो हैं क्या करवा रहे हैं मेंटेन करवा रहे हैं और इस मेंटेनेंस के प्रोसेस का हमने क्या नाम दिया होमियोस्टेसिस दिया कि डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन कि बाहर कुछ भी हो रहा है जो कि हमारे होमियोस्टेसिस को अपसेट करे लेकिन हमारा कॉन्स्टेंट एफ़र्ट क्या रहेगा कि हम लोग होम्योस्टैसिस को मेनटेन रखें इसको एनालॉजी लेकर के समझाया लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट सपोज़ एक पर्सन है हमारे पास जो कि परफॉर्म कर पा रहा है अपना बेस्ट फंक्शन कब जब टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से, है अब 25 ही मेंटेन करे वो तो क्या करेगा जब अगर तो बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंगली हॉट है और बहुत ज़्यादा फ्रीजिंगली कोल्ड है स्कॉर्चिंगली हॉट है तो वो एयर कंडीशनर को यूज़ करेगा और अगर फ्रीजिंगली कोल्ड है तो विंटर्स में हीटर को यूज़ करेगा देन हिज या हर परफॉर्मेंस जो होगी वो मैक्सिमम रहेगी हमेशा रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम या हर यहाँ पर जो पर्सन का मेंटेन हुआ वो फिजियोलॉजिकल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल मीन से उसने क्या किया मेंटेन किया लेकिन मेंटेन तो कर लिया अब बात आती है हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन अब बाकी के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे इस काम को करेंगे तो बात आती है देखो तीन तरीके से हम लोग देखते हैं एक होता है हमारा कन्फॉर्मर एक होता है पार्शियल रेगुलेटर और एक होता है रेगुलेटर रेगुलेटर क्या है ऑलराउंडर है रेगुलेटर का क्या काम है रेगुलेट कर लेना है इसमें अपने हिसाब से डोमिनेट करके अपनी कंडीशंस को कंट्रोल कर लेना है तो रेगुलेटर्स को आप देखोगे कि ये रेगुलेट कर ले रहे हैं लेकिन रेगुलेटर्स बहुत माइनॉरिटी है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रेगुलेट कर पा रहे हैं या बहुत कम ऐसे ऑर्गैनिज्म हैं जो रेगुलेट कर पा रहे हैं फिर बात आती है पार्शियल रेगुलेटर्स की पार्शियल रेगुलेटर्स के बारे में एन क्या कहती है कि सम स्पीशीज़ के पास ऐसा है कि इन्होंने इवॉल्व किया है एबिलिटी टू रेगुलेट लेकिन बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एंटलमेंटल कंडीशनस बियॉन्ड विच जो है वो सिंपली कन्फॉर्म करेंगे और इनको हम लोगों ने क्या बोला कि ये दीज़ आर पार्शियल रेगुलेटर्स कि ये कुछ टाइम तक रेगुलेट कर रहे हैं और उसके बाद में जो है ये सीधा सीधा कन्फर्म कर जा रहे हैं रेगुलेटर्स जितनी भी एक्सटर्नल इन्वामेंटल कंडीशन है रेगुलेट ही कर रहे हैं कन्फॉर्मर का क्या हिसाब है दे गो विद फ्लो और इस तरीके से ये चेंज करते जा रहे हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल के हिसाब से ये चेंज करते चले गए रेगुलेटर ने हमेशा रेगुलेट करके रखा पार्शल रेगुलेटर्स ने कुछ टाइम तक के लिए रेगुलेट किया बियॉन्ड विच दे सिम्पली कन्फॉर्म ये डाटा याद रखना है ये जो आपको वो दिया है जो आपके पास एक ग्राफ बनाया है ये ग्राफ याद रखना है इम्पॉर्टेंट ग्राफ है अब हम लोगों के पास चार रास्ते हैं पहला क्या रेगुलेट करने का दूसरा कन्फर्म करने का तीसरा आता है माइग्रेट और चौथा सस्पेंड करने का बात आती है क्या कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने कि एन सी आर टी ये कहती है अगर तो स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो लोकलाइज्ड है यानी सिर्फ एक एरिया में लोकल एरिया में प्रेजेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है दो चीज़ें बोली या तो लोकलाइज हो या फिर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ अपनाता है दो रास्ते अपनाता है माइग्रेट करने का या सस्पेंड करने का अब एम फॉर माइग्रेशन और एम से क्या कि मैदान छोड़कर भाग जाना ये दो चीज़ें होती हैं हमारी क्या कि माइग्रेट कर जाए यानी कहीं और चला जाए और सस्पेंड कर जाए यानी संन्यास ले ले एस से सस्पेंड एस से संन्यास अब बात आती है माइग्रेशन की तो माइग्रेशन के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव अवे कर जाए टेम्पोरेली टेम्पोरेली ये मूव करेगा ये परमानेंटली मूव नहीं कर रहा है ये इंपॉर्टेंट शब्द है टेम्पोरेली क्या करेगा हमारा ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाएगा चला जाएगा कहाँ से स्ट्रेसफुल हैबिटेट से चला जाएगा कहाँ पर चला जाएगा हॉस्पिटेबल एरिया की तरफ चला जाएगा और जब चली जाएंगी हमारी स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है या स्ट्रेसफुल पीरियड जो है वो ओवर हो जाएगा तब ये रिटर्न भी करेगा इस चीज़ को याद रखना कि माइग्रेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली बात तो ये टेम्पोरीली होगा और उसके बाद ये वापस रिटर्न भी करेगा ह्यूमन एनालॉजी से अगर आप इसको समझो तो इसके अंदर ऐसा है कि भाई दिल्ली के अंदर अगर ठंड दिल्ली के अंदर अगर गर्मी हो रही है तो आदमी शिमला घूमने के लिए चला जाए ठंड के थो, शिमला थोड़ी सी ठंडी जगह होगी तो समर के अंदर दिल्ली की गर्मी से उसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा लेकिन शिमला से लौट के वापस तो दिल्ली आएगा यही चीज़ एन कह रही है क्या कि जो माइग्रेट करने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं वो टेम्परिरी क्या करेंगे स्ट्रेसफुल हैबिटेट से हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे जब स्ट्रेसफुल पीरियड जो है ख़त्म हो जाए फिर बात आई क्या कि मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स काफ़ी सारे एनिमल्स लेकिन इन पर्टिकुलर बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें बर्ड्स जो होती हैं ड्यूरिंग द विंटर्स किस किस टाइम पे ठंडे टाइम पे ठंडी के टाइम पे एक बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस से ट्रैवल करके आती हैं माइग्रेट करके आती हैं मोर हॉस्पिटेबल एरियाज के लिए एवरी विंटर एवरी विंटर द फ़ेमस नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है इसके अंदर आती हैं थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि साइबेरिया और एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आती हैं अब ये इंपॉर्टेंट डाटा है इसको याद रखना है डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कीडो नेशनल पार्क कहाँ पर है तो भरतपुर राजस्थान में है ये भी पूछ सकते हैं की नेशनल पार्क में जो हमारी कौन सी वो आ रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो बर्ड्स आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं साइबेरिया से आ रही हैं अगर आप इसको देखो ये हमारा स्क्रीन है किसका लोकेशन का तो हम इंडिया में यहाँ हैं दिस इज़ आर इंडिया पूरा और यहाँ से ये साइबेरिया साइबेरिया कहाँ पड़ता है रशिया के अंदर पड़ता है तो ये साइबेरिया बिल्कुल नॉर्थ में हुआ तो यहाँ से हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे इंडिया में आ रही हैं और इंडिया में भी कहाँ पर इंडिया में हमारे राजस्थान के अंदर जो भरतपुर है उधर जाएगी क्यूलाडो नेशनल पार्क में तो इतनी दूर से ट्रैवल करके हमारी यहाँ पर आ रही है दिस वॉज माइग्रेशन नाउ टॉकिंग अबाउट सस्पेंड सस्पेंड किस तरीके से कर रहा है तो सस्पेंड के अंदर कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं और इसके अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है किस तरीके का कि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं सस्पेंड कर जाने का क्या मतलब कि सन्यास ले लेना कि भैया जो भी होता रहे हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है हम अपने आप को बचा करके चलेंगे अब वो कैसे होगा कि थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेंगे कौन हमारा बैक्टीरिया हमारा फंगा और हमारे लोअर प्लांट्स ये याद रखना के थिक वॉल स्पोर्ट्स किसके अंदर बैक्टीरिया फंगा और लोअर प्लांट्स के अंदर फिर बात करें हम लोग क्या कि सीड्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे हाइयर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे फिर हम लोग बात कर रहे हैं हाइबरनेशन की तो हाइबरनेशन एनिमल्स के केस में आ जाएगा जैसे हमारा बियर के केस में है बियर के केस में बियर के अंदर क्या हो रहा है हमारे भालू के अंदर वाइबरनेशन को याद रखो विंटर स्लीप कहते हैं इसको हाइबरनेशन इसको बोलते हैं विंटर स्लीप और हमारी जो स्नेल्स और फिश जो है हमारा वो क्या कर रही हैं एस्टिवेशन इसको कहते हैं समर स्लीप एस्टिवेशन इज़ समर स्लीप और हाइबरनेशन इज़ विंटर स्लीप याद करने का तरीका वाइबरनेशन डब्ल्यू यानी विंटर से हमारी हाइबरनेशन हुई और एस्टिवेशन है हमारी समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और डेसिकेशन से बचने का तरीका जो कि स्नेल्स और फिश में देखने को मिलेगा फिर जू प्लैंगटन के अंदर हम लोग क्या देखने को मिल रहे हैं कि लेक्स और पॉइंट्स के अंदर ये डायापोस के अंदर चला जाएगा जो कि एक स्टेज है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की तो डायापॉज हमें जू के केस में देखने को मिला वापस से इसको याद करें हाइबरनेशन एनिमल्स के केस में देखने को मिलेगी जैसे हमारा बियर हो गया स्नेल्स और फिश के, के केस में एस्टिवेशन देखने को मिलेगी जो कि हमारी समर स्लीप है और ज़ू प्लैंगटन के केस में हमें डायापोज देखने को मिलेगा ये पूछा जाता है कि, कि किसके केस में क्या देखने को मिल रहा है हायर प्लांट्स के अंदर सीड्स और अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे एक डारमेंसी की स्टेट भी आ जाती है इसके सीड्स वगैरह के अंदर और हमने ये एबसिसिक एसिड के अंदर पढ़ा था कि ये डारमेंसी इंड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फिर बात कर रहे हैं हम लोग बैक्टीरिया फंगा और लोअर प्लांट्स की इसके अंदर थिक वॉल्ड मोटी मोटी वॉल्ड वाले स्पोर्स बनते हैं जो कि हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशंस को और जब अवेलेबिलिटी हो जाएगी हमारे अवेलेबिलिटी हो जाएगी सूटेबल इन्वायरमेंट की तब ये जर्मिनेट कर जाएगा हायर प्लांट्स के केस में सीड्स और अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज मीनस टू टाइड ओवर द पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्जल यानी दो काम कर रहा है हमारा सीड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पहला क्या कि ये टाइड ओवर कर रहा है उन पीरियड्स को जो कि स्ट्रेसफुल हैं और दूसरा ये डिस्पर्जल के अंदर हेल्प कर रहा है फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी मॉइस्चर मिलेगा टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये जर्मिनेट कर जाएगा दे डू सो बाई रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इन टू द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी तो डॉर्मेंसी में रहेगा तो स्ट्रेसफुल कंडीशन से टाइड ओवर कर पाएगा इन एनिमल्स दी ऑर्गैनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट अगर माइग्रेट ना कर पाया माइड अवॉइड दी स्ट्रेस बाई एस्केपिंग इन टाइम एस्केपिंग इन टाइम ये शब्द इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज इम्पॉर्टेंट है एस्केपिंग इन टाइम करने का क्या मतलब है स्लीप कर जाना सो जाना द फेमिलियर केस ऑफ बियर्स भालू का केस में क्या देखने को मिल रहा है आपको हाइबरनेशन देखने को मिली है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम सम स्नेल्स और फिशेज गो इन टू एस्टिवेशन टू अवॉइड दी समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हीट डेसिकेशन फिर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो जू प्लैंगटन होगा लेक्स में और पॉन्ड्स में वो कर जाएंगे डायापॉस के अंदर एंटर ये हो गया हमारा सस्पेंड कैसे करता है हमारा ऑर्गेनिज़म अब हमारे पास दो चीज़ें बची पहला बचा रेगुलेट कैसे करता है और दूसरी बात आई कन्फॉर्मर्स की तो रेगुलेट करने वालों को हम लोग बोलेंगे रेगुलेटर्स कन्फर्म करने वालों को बोलेंगे कन्फॉर्मर्स और जो ऑर्गेनिज़म थोड़ी रेंज तक एक लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस तक रेगुलेट करे उसके बियॉन्ड अगर कंफर्म करे, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स पार्शियल रेगुलेटर रेगुलेटर्स की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म के पास क्या हो रहा है सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ही हैं ये सम ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है मेंटेन करने की अपने होम्योस्टैसिस को कैपेबिलिटी है किस तरीके से फिजियोलॉजिकल तरीक़ों से और बिहेवियरल तरीक़ों से फिजियोलॉजिकल तरीक़ों से और बिहेवियरल तरीक़ों से जो कि इन्श्योर करता है एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एक कॉस्मो कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए रेगुलेटर्स के एग्ज़ाम्पल में क्या आया सारी की सारी बर्ड्स और सारे के सारे मैमल्स आ गए और अ वेरी फ्यू लोअर इन वर्टिब्रेड्स भी और वर्टिब्रेड्स भी ये आए हमारे किस चीज़ के अंदर रेगुलेटर्स के एग्ज़ाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स याद रखना सारी की सारी बर्ड्स सारे के सारे मैमल्स थोड़े से हमारे वर्टिब्रेड जो कि लोअर वर्टिब्रेड्स हैं और थोड़े बहुत हमारी इनवर्टिब्रेड स्पीशीज़ भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन और ऑसमो रेगुलेशन कर सकती हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का कहना है कि जो सक्सेस है मैमल्स की वो लार्जली किस लिए देखने को मिल रही है बिकॉज दे हैव दी एबिलिटी टू मेन्टेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे आर लिविंग इन अंटार्कटिका या फिर सहारा डेजर्ट चाहे बिल्कुल ठंडे माहौल में रहें चाहे बिल्कुल गर्म माहौल में रहें उनके पास क्या है सक्सेस ऑफ मैमल्स देखने को हमें मिल रही है किस वजह से बिकॉज दे आर रेगुलेटर्स दे हैव दी एबिलिटी टू मैंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर फिर बात आ रही है जो मकैनिज़म यूज हो रहा है मोस्ट मैमल्स के थ्रू अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो वही है जो कि हम लोग ह्यूमंस यूज़ करते हैं अब क्या मकैनिज़म है इस पर गौर करना वापस से यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी आपको बताने वाली है कि हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट कैसे कर रहे हैं वो बता रही है कि वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ़ थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अगर तो हमें क्या करना है बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है तो हम लोग स्वेटिंग शुरू कर देंगे वी स्वेट प्रफ्यूजली जैसा समर के अंदर देखने को मिलेगा बट आउटसाइड टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा होगा बाहर गर्मी होगी और हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे स्वेट स्वेटिंग शो करेंगे जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होगी जो कि डेज़र्ट uh, कूलर जो चलता है उसका भी सेम प्रिंसिपल होता है और बॉडी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर जाएगा लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें थर्मो रेगुलेशन अगर विंटर्स के केस में करनी है तो विंटर्स के केस में क्या है कि अब हमारी बॉडी जो है वो गर्म है और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस से डिग्री कम है अब हमें क्या करना है अब भी मेंटेन करना है तो अपने आप को अप रखना पड़ेगा हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे यहाँ पर हम लोग शिवरिंग शुरू कर देंगे ये जो शिवरिंग है ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो प्रोड्यूस करती है हीट और रेज कर देती है बॉडी के टेम्परेचर को इस तरीके से हमारे पास क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा यानी हमने थर्मो रेगुलेशन कैसे किया गर्मी के अंदर हमने एवेपोरेटिव कूलिंग का काम लिया और स्वेट किया प्रोफ्यूजली पसीना बहाया जिससे हमारी कूलिंग हो गई विंटर्स के अंदर हमने शिवरिंग स्टार्ट कर दी कप आने लगे हम लोग जिसकी वजह से क्या हो गया एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिससे प्रोड्यूस हुई हमारी हीट और बॉडी का टेम्परेचर रेज होकर के नॉर्मल आ गया लास्ट में एनसीआरटी फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही है कि जो प्लांट्स होते हैं ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म्स टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स और इसीलिए आप ये देख रहे हो कि इन जो एग्ज़ाम्पल्स थे हमारे रेगुलेटर्स के इसमें कहीं से कहीं तक प्लांट्स का जिक्र नहीं आया रेगुलेटर्स के एग्ज़ाम्पल क्या हैं बर्ड्स मैमल्स बहुत कम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट स्पीशीज़ फिर बात आ रही है लास्टली कन्फॉर्मर्स की तो इसको के याद रखने का तरीका दे गो विद द फ़्लो एंड अडेप्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेगुलेटर्स के बारे में हमने क्या लिखा था यह कंट्रोल कर लेते हैं अब बात आई कन्फॉर्मर्स की इनका क्या काम है दे गो विद द फ्लो टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अब एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी यानी नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द एनिमल नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स प्लांट्स के बारे में एन ने जस्ट अभी आपको बताया था प्लांट्स ऑन दी अदर हैंड डू नॉट हैव अ सच मैकेनिज्म जिससे वो अपने मेंटेन कर पाए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स को तो अब ये क्या हो गए कन्फॉर्मर हो गए मेजॉरिटी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स यानी हमारे एनिमल्स भी और सारे के सारे प्लांट्स ये मेंटेन नहीं कर सकते एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज कर जाता है एम्बियट यानी आसपास वाले टेम्परेचर के हिसाब से एम्बियट टेम्परेचर के हिसाब से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे एक्टिक एनिमल्स के अंदर क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक कंसन्ट्रेसन होगी बॉडी फ्लूइड्स की वो चेंज कर जाएगी एम्बियट वाटर के ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन के हिसाब से भाई सिंपल सी बात अगर आप लैंड पे हो तो उस हिसाब से आपका टेम्परेचर बदल जाएगा एक्टिक और एनिमल हो आप तो उस हिसाब से आपकी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन बदल जाएगी कि यानी आप यू आर गोइंग विद द फ्लो अडाप्ट कर ले रहे हो जो आपके आसपास हो रहा है आप उसी में रम जा रहे हो दीज एनिमल्स एंड प्लान्स आर सिंपली कन्फार्मर ये सिम्पली कन्फॉर्मर है अब बात आ रही है कि भाई इनको अगर ये चीज़ पता है कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्सटेंट इंटरनल इन्वायरमेंट टू दी ऑर्गेनिज़म भाई इनको एक कॉन्सटेंट इंटरनल ऑर्गेनिजम का जो बेनिफिट मालूम है उसके बावजूद ही इन लोगों ने क्या नहीं किया है वाई दीज कन्फॉर्मर्स हैड नाट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर इतना फ़ायदा होने के बावजूद जो है ये लोग जो हैं रेगुलेटर्स क्यों नहीं बने इवॉल्व कर लेते रेगुलेटर बन जाते तो भाई आपसे आपको इस बात का जवाब समझाने के लिए एन क्या कह रही है कि थर्मो रेगुलेसन जो होता है एनर्जिकट एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए अब क्योंकि जब खर्चा करना पड़ेगा तो भैया यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे लोग क्या बोलेंगे छोड़ो यार काय को खर्चा करना काम चलाते हैं यही चीज़ बात हो रही है दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स जैसे कि श्रीज़ और हमिंग बर्ड्स श्रीव और हमिंग बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि जो हीट लॉस और हीट गेन है हमारा ये फिजिक्स की बात है कि हीट लॉस और हीट गेन एक फंक्शन है हमारे सरफेस एरिया का अब स्मॉल एनिमल्स के केस में क्या होता है लार्जर सरफेस एरिया रहेगा रिलेटेड टू तो देयर वॉल्यूम यानी क्योंकि इनकी वॉल्यूम छोटी है इनका सरफेस एरिया बड़ा है तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनका सरफेस एरिया छोटा है सरफेस एरिया बड़ा है सॉरी वॉल्यूम छोटी है और सरफेस एरिया बड़ा है तो क्या होगा ये बॉडी की जो हीट है बहुत जल्दी लूज़ कर जाएंगे और इसी क्या होता है कि जब ठंडी पड़ेगी बाहर तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करनी पड़ेगी एनर्जी ताकि ये जनरेट कर पाएँ अपनी बॉडी हीट थ्रू दी मेटाबोलिज़म और इसीलिए ये मेन रीज़न है वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन बिकॉज हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सर्फेस एरिया एंड स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सर्फेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम दे लूज मोर बॉडी हीट एंड वेरी फास्टली बहुत तेज़ी से बॉडी हीट को लूज़ करेंगे जब बाहर ठंडी पड़ेगी और अगर इनको अपनी बॉडी हीट को मेंटेन करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि ये जनरेट कर पाए बॉडी हीट इसीलिए इनका सर्वाइवल जो है बहुत ठंडे रीजन्स के अंदर पोलर रीजन्स के अंदर पॉसिबल ही नहीं है दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स ये एजर्शन रीज़न बन सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट है मेंटेन करने के एक कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को वो टेकन होते हैं उनको टेक किया जाता है कंसिडर किया जाता है उनको लिया जाता है कंसिड्रेशन के अंदर और क्योंकि आप इस चीज़ को देख रहे हो कि भाई ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को इसीलिए ये सिंपली कन्फर्म कर जा रहा है इसको समझाने के लिए आप वापस अपनी ह्यूमन एनालॉजी पे आओ रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज अबव कि भाई इंसान जो है गर्मी के अंदर एसी यूज़ कर लेगा और ठंडी के अंदर अपना हीटर यूज़ कर लेगा तो एन कह रही है मच एज दे लाइक हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर कि भाई कितने ही परसेंट ह्यूमंस हैं जो ए सी अफोर्ड कर सकते हैं मैनी जो है ज़्यादातर जो है क्या करते हैं काफ़ी लोग क्या करते हैं सिंपली कि वो पसीना बहाते हैं गर्मी के अंदर और अपना वही जो इवेपोरेटिव कूलिंग नेचुरल प्रोसेस हो रहा है वही हो रहा है एंड रेज़ाइन दन सेल्स टू सब ऑप्टीमल परफॉर्मेंस इन दी हॉट समर मंथ और रेज़ाइन करते हैं अपने आप को एक सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कंडीशन की तरफ वही बात है कि भाई अफोर्ड कौन कर पा रहा है अफोर्ड कर पाना क्योंकि ये चीज़ आप देखो थर्मो रेगुलेशन इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है मैनी ऑर्गेनिज्म के लिए तो ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो सिंपली कन्फर्म करेगा दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ द वेरियस रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स कैन बी सीन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या अडाप्टशन्स हमें जो है देखने को मिलती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिससे वो ऑल्टरनेटिवली अल्टरनेटिव्स जो है उनके पास अवेलेबल हैं ताकि वो कोप कर पाते हैं अपने एक्सट्रीम्स के साथ जो उनके एनवायरनमेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अडाप्टेस को डील करेंगे